उपस्थित हुआ हूँ निराला जी का जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक योगदान लेकर। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य में योगदान को देखेंगे एवं उनके जीवन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में स्थित महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में सन 1896 ईस्वी में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे, किंतु इनके पिता की नौकरी के कारण ये लोग अस्थायी तौर पर पश्चिम बंगाल में जाकर बस गए थे। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था, जो कि इनको इनकी माता द्वारा दिया गया था। जब ये निराला जी 3 वर्ष के थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया और असमय माँ का साया सर से उठ जाने के कारण, पिता की डांट फटकार के कारण इनका जो स्वभाव है चिड़चिड़ा हो गया था। निराला जिद्दी स्वभाव के हो गए थे। इनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा बंगला भाषा में प्रारंभ होती है, किंतु कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इनकी शिक्षा में कक्षा नवीं के बाद अवरोध आ जाता है। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं एवं इसके साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हो गया। जब ये 22 वर्ष के थे तभी इनकी पत्नी का देहांत हो गया, किंतु इनको इनके एक संतान थी, एक इनकी बिटिया थी जिसका नाम सरोज था। उसका पालन पोषण इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इनके ससुराल में हुआ। ससुराल वालों के दबाव के बावजूद भी इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और पुत्री सरोज का भी, जब वो 19 वर्ष की थी तभी प्रसूति पीड़ा के कारण उनका भी निधन हो गया। इनके काव्य ग्रंथ सरोज स्मृति में इन्हीं के बारे में हमें देखने को मिलता है। अगर निजी जीवन की बात करें निराला के, तो निराला निजी जीवन में नितांत अकेले थे। 1918 में इन्फ्लुएंजा की बीमारी से इनकी पत्नी, पिता, चाचा सबका देहांत हो चुका था। परिवार में ये और इनकी बिटिया बची थी। अंत में 1935 में इनकी बिटिया का भी देहांत हो जाता है। अब निराला अकेले बसते हैं और पत्नी की मृत्यु के पश्चात, जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो निराला आकर अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में आकर बस जाते हैं, यहाँ रहने लगते हैं और साहित्य कर्म में लीन हो जाते हैं, अपना साहित्य कार्य करने लगते हैं। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित होती है। 1923 में निराला ने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह हिंदी का प्रथम व्यंगात्मक पत्र है। निराला आजीवन भटकते रहे, कभी लखनऊ, कभी सीतापुर, कभी इलाहाबाद, कभी वाराणसी, काशी, ऐसे ही आजीवन भ्रमण करते रहे। अंत में 1950 ईस्वी में इन्होंने प्रयागराज के दारागंज में अपना एक अस्थायी निवास बनाया और वहीं पर आकर रहने लगे। यहीं सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बाबा नागार्जुन ने इनके आंतरिक व बाह्य व्यक्तित्व को बयां करते हुए लिखा है कि बाल झबरे, दृष्टि पैनील, फटी लुंगी, नग्न तन, किंतु अंतर दीप्त था, आकाश सा उन्मुक्त मन। निराला अत्यंत दयालु किस्म के व्यक्ति थे। किसी दुखी या भिखारी को देखते तो अपना सर्वस्व दान कर देने को उसे तत्पर रहते थे। एक बार इनकी एक पुस्तक का जब प्रकाशित हुई थी तो उसका इन्हें जो रॉयल्टी मिली थी उसको इन्होंने एक बुढ़िया को दान कर दिया था, जिसने इनको बेटा कह दिया था। और निराला का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो अपनी रजाई तक, अपना बिस्तरा तक गरीबों को दान कर देने वाले व्यक्ति थे। इनके आकर्षण और ऊर्जापूर्ण व्यक्तित्व, जो इनका आकर्षक एवं ऊर्जापूर्ण व्यक्तित्व था, इसके कारण आलोचक इन्हें महाप्राण तथा जन समाज ने इन्हें दारागंज का
संत या फिर गरीबों का मसीहा कहकर संबोधित करता था। इनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो निराला के जीवन की ही भांति इनके साहित्य में भी हमें विविधता देखने को मिलती है, जहां जूही की कली, संध्या सुंदरी आदि रचनाओं में हमें प्रकृति का मानवीकरण देखने को मिलता है, वहीं राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति में महाकाव्यात्मक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, महाकाव्यात्मक कविताएं रही हैं। इनकी अन्य रचनाएं रही हैं, कविताएं रही, जैसे गर्म पकौड़ी और झींगुर डटकर बोला, झींगुर डटकर बोला, महंगू महंगा रहा, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा, कुकुर मुत्ता आदि रचनाएं निराला के निरालेपन का प्रमाण है। इतनी रचनाएं काफी हैं कि निराला निराले थे, निराला अपने आप में निराले थे। उसके बाद अन्य रचनाएं इनकी जैसे भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, और वन बेला, बादल राग आदि रचनाएं इनके प्रगतिशील आंदोलन से पूर्व ही प्रगति का परिचय देने वाली रचनाएं रही। ये निराला की दूरदृष्टि को किस तरह से हम देख पाते हैं, निराला कितने दूरदर्शी थे। अगर भाषा शैली की बात करें तो जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति प्रबंधात्मक रचनाएं रही। इसमें संस्कृत ने समासयुग पदावली के माध्यम से अत्यंत परिमार्जित भाषा का प्रयोग निराला जी ने किया है। इसके बाद इनकी अन्य रचनाएं रही हैं बेला और ए पत्ते, ये बोलचाल की मिश्रित भाषा में लिखी गई हैं, रचित हैं। इसमें आंचलिक व स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। गीतिका इनका राग आधारित गीति काव्य रहा है। इनकी और रचनाओं की बात करें जैसे इनके काव्य ग्रंथ रहे हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज आदि। उपन्यास निराला जी के उपन्यासों की चर्चा करें तो इसमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, उश्रृंखल, चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि। इसके बाद कहानी संग्रह की बात की जाए तो चतुरी चमार, शुकुल की बीबी, लिली, सखी आदि इनके कहानी संग्रह रहे। निबंध संग्रह चाबुक, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय आदि इनके निबंध संग्रह रहे। रेखाचित्र, बिलेसुर बकरिया और कुबली भाट। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो पंत और पल्लव, रविंद्र कविता कानन आदि इनके आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं। नाटक शकुंतला इनका नाटक रहा है निराला जी का। जीवनी राणा प्रताप की जीवनी लिखी, प्रहलाद, भीम, ध्रुव आदि की जीवनियां निराला जी ने लिखी है। अनुवाद की बात करें तो इन्होंने महाभारत और आनंदमन मठ तथा विवेकानंद के भाषणों आदि का अनुवाद किया है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे निराला जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान विस्तार पूर्वक देखने में सफल रहे। इसके पश्चात मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।